गाने के बोल अर्ज किए हैं कुछ इस तरह से, मुलाहिदा फरमाए कि नागिन ने काटा मेरे बम पे। ये गाने के लिरिक्स हैं, मजाक नहीं कर रहा, पिक्चर में है गा, गाया भी मैं नहीं है। तो बोल कुछ इस प्रकार कि नागिन ने काटा मेरे बम पे, कैसी है विपदा आ गई हम पे। नजर थी उसकी मेरे च्युइंगम पे। तो ये देखो यही होता है, वो पिक्चर हिट है बॉस, पिक्चर हिट है। तो ये गाने के शूट के दौरान क्या हुआ कि हम लोग शूट कर रहे थे इन मड एंड वी हैड ऑल फिरंग रशियन डांसेस एंड अली सर मेरे पास है कुछ नहीं, बगल में खड़े आके मेरे को बोलते हैं क्या देख रहा है गेतान। मैंने कहा सी, मैं कोरियोग्राफी अभी ध्यान दे रहा हूँ। ही इज लाइक हाँ, दूर रहने का सबसे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट होने का। कट टू, मैं अंदर गया, अगला टेक अली भाई का, अली भाई 3 मिनट के बाद तो कह रहा रोज का देने वाला, रोज की अली भाई के तालियां। अलग एनर्जी होती थी भाई इंसान के साथ। नाउ आई लाइक टू कॉल ऑन द गेस्ट जिनको हमने आज बाय चेक गवाई की फिल्म एक नंबर हो जाए इंशाल्लाह ताला, है कि नहीं? सबसे बड़े पटेल तो अब नहीं है। अरे बैठो भाई, बैठो भाई, ना बैठ। अरे फिर बोलेंगे सीनियर एक्टर उठ गए अपनी उठा रहे सर। हाँ भाई पूछो, क्या पूछो? हाँ इसको भी बुलाओ बिग बॉस में, है ना, अच्छी आइटम है। ए, फिल्म अच्छी है यार, मेरे को तो अच्छी लगी, और अल्लाह करे फिल्म चले। एंड आई विश ऑल द लक टू एवरीबॉडी। और प्रोड्यूसर साहब को ये भी बोलूंगा कि मेरा नंबर है 9819, आगे का बोलूंगा तो बहुत फोन आएंगे, तो अकेले मैं देता हूँ। अगली बार एक और पटेल भी बैठा है इधर। नहीं, मैं यही बोलूंगा कि कॉमेडी फिल्म हमेशा, जैसे कॉमेडी, यू नो, लाइक आई एम ऑल्सो आई लाइक टू डू। अभी यहाँ सब इतने अच्छे अच्छे बड़े एक्टर माशाल्लाह बैठे हुए, दादी माँ बैठी हुई है, पप्पियाँ ले लेके पूरी इंडस्ट्री की इन्होंने। सारे बड़े एक्टर, मतलब मुझे तक नहीं छोड़ा इन्होंने भाई, बिग बॉस में आके पप्पी ले डाली इन्होंने। तो ये है, और फिर दिस गाइज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, एंड ब्यूटिफुल मिस, आप पदम सिंह जी को तो जानते हैं, और दिस गुजराती, इनको गुजराती होके गुजराती सीखनी पड़ी, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी सोचिए। तो मने आवड़े जे गुजराती, हाँ मने आवड़े जे थोड़ी घणी, हाँ जाने ते जाने ना, नवरा लोगो फाफा मारे है कि नहीं भाई। तो ऑल द लक एंड विश टू एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अल्लाह ब्लेस एवरीबॉडी एंड दिस फिल्म। देखिए, हमारे दादाजी जो थे वो दिलीप कुमार के यहाँ नौकर थे, हम जो थे हमारे पिताजी वो बच्चन साहब के यहाँ नौकर थे, और हम बिग बॉस के यहाँ नौकर है। और ये नौकर आपको दुआ देता है कि आपकी केमिस्ट्री जो है वो भाई से आप कहीं ना कहीं फिल्म करेंगी, और वैसा ही हो रहा है। देखिए अभी एली जी बहुत बिजी है, और आप जानते ही है कि अल्लाह उनको और बिजी करे तो शायद चली गई। वैसे ब्रेक तो ये डायरेक्टर ने दिया था उनको, कहाँ गई कोई नहीं, वो बाहर मेरा इंतजार, वो भी जाएगी बाइट लेने, इधर मना कर भाई, बाइट लेने जा रहा भाई, केबल निकालो। फिर अपनी हो गई पहली, हम लोग अरेंज कर रहे हैं इधर, तू बीच में घुस रहा है।